हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेट सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 25th of November 2020। तो 25 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, प्लस सी सैट कोर्स की जो हमने स्टार्ट किया है। सी सैट की क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, एंड दोज हु हैव एनरोल्ड प्लीज गिव योर फीडबैक एज वेल। आपको आई होप पसंद आया होगा। एंड कुछ लोगों जैसे अगर किसी को लग रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा, तो एक्चुअली होता ही है कि हम आप लोग जैसे बचपन से आज तक आपने या तो जैसे किया होगा उसके बाद बीए कर लिया होगा, या आपने एमबीबीएस या डॉक्टरी ये सब पढ़ लिया होगा, तो क्या होता है मैथ्स के साथ आपका टच नहीं रहता है। एंड इट बिकम्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल थिंग्स। तो अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ गिव योर सेल्फ सम टाइम, एंड जो भी एजुकेटर पढ़ा रहा है उस चीज़ों को ध्यान से एक बार दो बार सुनिए, समझ गया ना। दिक्कत तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी अब आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति के बराबर मैथ पढ़ने लगे जो व्यक्ति आज 20 साल से मैथ पढ़ रहा है, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपने चीजों को समझने की कोशिश की और प्रैक्टिस रेगुलरली की, तो डेफिनेटली यू विल रीच। इसलिए थोड़ा अगर किसी को तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ बेयर विद अस एंड थोड़ा सी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। आप दो क्लास में तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे और आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आने लगेगी। सो दैट इज समथिंग अनकॉल्ड फॉर। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अदरवाइज दोज हु हैव एनरोल्ड दे कैन गिव योर फीडबैक, दे कैन टेल अस अबाउट द थिंग्स एंड ऑल, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे आज जो क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं। पहला सवाल है, टाउन प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टाउन प्लानिंग इनमें से किस पार्ट के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस आर पार्ट 7, पार्ट 9, पार्ट 9A या नन ऑफ द अबव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी भाषा 8वें शेड्यूल में नहीं है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज डोगरी, सेकंड इज राजस्थानी, थर्ड इज सिंधी, फोर्थ इज मणिपुरी। तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 इज, सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। किस साल में सिंधी भाषा को इंक्लूड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस के 8th शेड्यूल में? ऑप्शंस आर, ए 1957, बी 1967, सी 1969 या डी 1968। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दीज क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। टाउन प्लानिंग आता है पार्ट 9A, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, राजस्थानी इज नॉट अ लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल, बी विल बी द आंसर। एंड तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है सेकंड, यानी कि बी 1967 में। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस एंड 3 आंसर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ आपने नया सीखा होगा इनमें से। मैप ऑफ द डे में जो मैप आज मैंने लिया है वो लिया है टर्की का मैप। टर्की इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। कल मैं आपको बता दूं, कल मैं अफगानिस्तान का पूरा मैप कराऊंगा। अफगानिस्तान भी बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि यूएस फोर्सेस वहां पे छोड़ के जा रही है, तालिबान का क्लैमर वहां बढ़ता जा रहा है। तो हम कल देखेंगे अफगानिस्तान का मैप, आज हम देख रहे हैं टर्की का मैप। टर्की का मैप वैसे मैंने ऑलरेडी पहले कराया है, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा क्योंकि देखो मैप्स भी तो लिमिटेड है ना। अगर मैं साल भर कराऊंगा आपको तो मैं तो सारे मैप करा डालूंगा आपको, है ना, सारे के सारे मैप एक बार दो बार करा डालूंगा। तो यही मेरी कोशिश भी रहती है कि हर दिन एक मैप की एक्सरसाइज मैं जरूर कराता हूँ। इसीलिए तो लेट मी टेल यू द मैप ऑफ टर्की। कुछ जगहें भी हम देखेंगे टर्की के अंदर। देखो टर्की के अंदर एक इजमीर दिख रहा होगा, इजमीर दिख रहा है, एक बुर्सा दिख रहा है, दिस इज बुर्सा, देन दिस इज इस्तानबुल, दिस इज अंकारा, अडाना, देन अंटाल्या, कोनिया एंड एर्जुमन, एंड ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आप याद रखिएगा। इस्तानबुल, बुर्सा, इजमीर, अंकारा, अडाना एंड एर्जुमन, ठीक है ना, एंटाल्या, ये सारे प्लेसेस आप पहले याद रखना, ठीक है। फिर टर्की के साथ हम उसके कुछ फिजिकल फीचर्स भी देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोरोग्लू माउंटेन्स दिख रहा होगा। तो कोरोग्लू माउंटेन्स अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप बता देंगे। देन एनाटोलियन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एनाटोलियन प्लेटू अगर आपसे कोई पूछे कहाँ लाई करता है तो वो टर्की में लाई करता है, एनाटोलियन प्लेटू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन टॉरस माउंटेन्स, टॉरस माउंटेन भी यहाँ लाई करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेक वॉन, लेक वॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेक वॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉल्ट
सॉल्ट वाटर लेक में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी में आती है, ये भी हाईएस्ट सैलिनिटी का प्लेस कहलाता है। आप सर्च करेंगे लेक वॉन को तो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी वाली जगह है, तो लेक वॉन भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लाई करती है, ठीक है ना। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये फिजिकल फीचर्स हैं टॉरस माउंटेन, कोरोग्लू माउंटेन्स, एनाटोलियन प्लेट्यू हमने देखा, देन ईस्टर्न प्लेट्यूज और ईस्टर्न टॉरस। ईस्टर्न टॉरस में हमने लेक वॉन देखा, ईस्टर्न टॉरस में लेक वॉन, देन पॉन्टिक माउंटेन्स। पॉन्टिक माउंटेन्स भी टर्की में लाई करते हैं, तो कोरोग्लू माउंटेन्स, टॉरस माउंटेन्स, पॉन्टिक माउंटेन्स एंड ईस्टर्न टॉरस में लेक वॉन हमने देखा, देन एनाटोलियन प्लेट्यू। एनाटोलियन प्लेट्यू इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये भी हमने देखा कि यह कहाँ पर है, ये आपका टर्की में। लेक टज, लेक टज भी यहाँ पर है, देन किजिल इरमुक, ये एक किजिल इरमुक रिवर है, द नेम इज किजिल इरमुक, द नेम ऑफ द रिवर इज किजिल इरमुक, ठीक है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको ये वाटर बॉडीज में देखो दिख रहा है, ये कौन सी वाटर बॉडी, ये ब्लैक सी दिख रहा है ना। ब्लैक सी के साथ आपको यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी, जैसे एक ये डार्डेनल्स स्ट्रेट, देन सी ऑफ मार्मरा एंड देन बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये ऑर्डर ही याद कर लेना, डार्डेनल्स, देन मार्मरा एंड देन बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो डार्डेनल्स स्ट्रेट सबसे पहले है, जहां पे आपका ये एजियन सी के साथ सेपरेशन होता है। एजियन सी यहां पर आपको एजियन सी दिख रहा होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ एजियन सी, है ना। और उसके नीचे सी ऑफ क्रीट, सी ऑफ क्रीट, सी ऑफ क्रीट के ऊपर एजियन सी, एजियन सी के बाद आपका डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मार्मरा एंड सी ऑफ मार्मरा के बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि पहले सी ऑफ क्रीट सबसे नीचे, सी ऑफ क्रीट के ऊपर एजियन सी, एजियन सी के बाद डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट के बाद सी ऑफ मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा के बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट के साथ आपका जुड़ा हुआ ब्लैक सी। दिस आर द इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो कि यहाँ पे लाई करती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ग्रीस है यहाँ, दिस इज द पार्ट वेयर ग्रीस टचेस द टर्की, टर्की को ग्रीस यहाँ पे टच कर रहा है। देन नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लेबनान इज ऑल्सो टचिंग द ग्रीस, है ना, लेबनान भी टच कर रहा है, ठीक है, लेबनान टच कर रहा है, एंड सॉरी लेबनान नहीं टच कर रहा, ये सीरिया टच कर रहा है, तो सीरिया आपको दिख रहा होगा टच करते हुए, ओके, तो सीरिया इज टचिंग देर, यू कैन सी एज एज देयर एज वेल, सीरिया इज टचिंग। देन आपको ईरान यहाँ पे टच करता हुआ दिख रहा होगा, दिस इज द पार्ट वेयर ईरान टच is the this your टर्की, तो ईरान को यहाँ पे टच करते देख लिया आपने। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आर्मेनिया इज टचिंग, आर्मेनिया इज टचिंग देयर, है ना, आर्मेनिया इज टचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलसी, तबिलसी इज टचिंग, जॉर्जिया इज टचिंग हेयर, दिस इज द पार्ट वेयर जॉर्जिया इज टचिंग इट, है ना। एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीस को देखा आपने, बुल्गारिया वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट वेयर बुल्गारिया टचेस, है ना। नीचे जरूर मैंने आपको बता दिया था लेबनान नहीं, लेकिन वहां पे सीरिया आपको याद रखना है, सीरिया इज द पार्ट वेयर सीरिया टचेस इट, ओके, सीरिया इसको टच करता है। देन ईरान इसको टच करता है, ये भी आपको याद रखना है, ईरान भी इसको टच करता है। देन हमने देखा आर्मेनिया की हमने बात की, आर्मेनिया बताया मैंने आपको, देन जॉर्जिया मैंने आपको बताया, एंड इधर साइड मैंने आपको बुल्गेरिया बताया, ग्रीस बताया, ठीक है ना। दीज आर द पार्ट्स जो कि टच करते हैं आपके टर्की वाले रीजन को। तो अगर आप एक बार मैप को फिर से देखें, मैप में आप एक बार इसको अच्छे से अपने दिमाग में इसकी इमेज बना लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि अंटाल्या बताया, कोन्या बताया, इजमीर बताया, बुर्सा बताया, दिस दीज आर द थिंग्स विच आई टोल्ड यू। इसके अलावा मैंने आपको कुछ लेक्स बताई, जैसे लेक टस बताया, देन लेक वॉन बताया, ठीक है ना, लेक वॉन और लेक टस बता दिया। इसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन्स बताया, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से, जैसे टॉरस माउंटेन बताया, एनाटोलियन प्लेटू बताया, कोरोग्लू माउंटेन, पॉन्टिक माउंटेन्स बताया, ठीक है। कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज मैंने आपको बताई, तो कंट्रीज में मैंने आपको बताया कि जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गई, इराक भी टच करता है वैसे इसको, इराक भी टच करता है, इसको लिख लो कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो इसकी टच करती हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक एंड सीरिया, एंड इसके अलावा फिर वाटर बॉडीज टच करती है, जो फिर जॉर्जिया बुल्गारिया तो आपने देखा ही है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये आप ये भी याद रखिए कि
कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। तो जैसे यहाँ पे सी ऑफ मारमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी है ना, और नीचे एजियन सी, सी ऑफ क्रीट हो गया, ये सब आपको याद रखना। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग दिस मैप, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। एंड कोट ऑफ द डे में जो आज कोट मैंने लिया है वह एपीजे अब्दुल कलाम का, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट इज टू क्वेश्चन, लेट द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स का, वो है क्वेश्चन पूछना। तो जैसे आप लोग कमेंट भी करते हो ना, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछा करिए। अगर आप बहुत अच्छे, देखिए देखो क्या होता है, क्वेश्चंस कई बार आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चंस पूछते हो तो भी मैं आंसर नहीं करता होता। सम क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप मत पूछो जो आप जस्ट एक सिंपल गूगल सर्च करोगे आंसर मिल जाएगा ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं। नेवर ट्राई टू टेस्ट द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड। उसको टेस्ट करने के बजाय आप, अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि सर इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है, टाइम टेबल नहीं समझ में आ रहा है, शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा, पढ़ने का तरीका नहीं समझ आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपको नहीं मिल रहा है, सर्च किया आपने लेकिन नहीं मिल रहा है, ऐसी चीजें आप पूछिए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे लगता है म्यांमार की कैपिटल नेपिदो है, क्या सही है? अगर आप सर्च कर लो, ठीक है, मैंने हो सकता है गलत बता दिया हो, तो आप मेरे को करेक्ट करने के लिए बता सकते हो, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आप मत पूछिए। यू कैन आस्क, यू कैन सर्च एंड यू कैन टेल मी, है ना, इस तरीके चीज। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्टूडेंट्स का कि वो क्वेश्चन पूछे। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो या तो वो पूरा समझ में आ रहा है उसको, या उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम्स पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा स्टूडेंट एक मिडवे में रहता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसको पूछते रहना चाहिए। सो दिस इज द थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो, कि आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। आगे मूव करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले, तमिलनाडु पुडुचेरी ऑन एज एज निवार क्लोजेज इन। अब आप सबको पता होना चाहिए कि एक साइक्लोन है जो कि आ चुका है, निवार, साइक्लोन निवार हैज क्लोज्ड इन, और ये जो अपना लैंडफॉल है वो कहां पे बनाएगा, ममल्लापुरम वाले रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन ये बनाएगा, है ना, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कोस्ट के थ्रू, ये कराई कनाल, ममल्लापुरम, यहां पे, यहां के आसपास ही अपना लैंडफॉल करेगा। तो कौन कौन से एरियाज थे जो कि प्रभावित हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस? तो बेसिकली आपको तो याद रखना है कि तमिलनाडु वाला रीजन है ना, पुडुचेरी वाला रीजन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, और यहाँ से फिर ये यहाँ पर आया, ये तमिलनाडु है, एंड देन यहाँ पे आपका थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला रीजन भी लिया इसने, और थोड़ा सा आपका कर्नाटका वाला रीजन भी लिया है, पुडुचेरी वाला रीजन तो लिया ही लिया है, ये पुडुचेरी तो यहीं पे है ना। तो ये बेसिकली आपको याद रखना कि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जहाँ पे इसने, जिसको इसने कवर किया है, कर्नाटका को, आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु तो हाईली इफेक्टेड है, तमिलनाडु और पुडुचेरी हो गया आपका, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा जरूर, है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं उनके हिसाब से। तो निवार में हमने देखा एनडीआरएफ फोर्स का इस्तेमाल किया गया। एनडीआरएफ क्या होता है? ये होती है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। याद रखिएगा, एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो आपको याद रखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इन 2005, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब आया उसमें उसने एक स्पेशलाइज्ड फोर्स का वर्णन किया है, उस एक्ट में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स का वर्णन किया है, जिस फोर्स को हम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोलेंगे, विच विल बी स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स। तो एनडीआरएफ का मेन काम क्या रहेगा? रिस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स, नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स को रिप्लाई करना, यह उसका मेन काम रहेगा। व्हाई वाज इट नीडेड, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि 1999 में पहले सबसे पहले उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया था। इन 1999 देयर वाज उड़ीसा सुपर साइक्लोन। उसके बाद 2001 में हमने देखा गुजरात के में अर्थक्वेक आया। तो ये दोनों जब अर्थक्वेक्स और ये उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया, तो इससे बाद ये समझ में आया कि देयर इज अ नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड रिस्पांस मैकेनिज्म, है ना, एक स्पेशलाइज्ड रिस्पांस मैकेनिज्म की जरूरत है। अब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस कारण से फिर नेशनल लेवल पे इफेक्टिवली डील करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है। कब? 2005 में। ओके, 2005 में आता है। उसके बाद आपका 2006 में फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स भी आए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी लाई गई, ठीक है ना। इट वाज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑनली, 2006 में फिर इसको कंसीव किया गया, ठीक है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की मैं आपको कंडीशंस भी बता देता हूँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन किस किस कंडीशन से बनता है। तो पहला होना चाहिए कि लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहली तो हमको जरूरत है एक बड़े सी सरफेस की और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से। ओके, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। दूसरी चीज, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, है ना, और इतना होना चाहिए कि एक साइक्लोनिक वॉर्टेक्स का क्रिएशन कर सके, है ना। कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, इसीलिए इक्वेटर पे ज्यादा साइक्लोन्स नहीं आते क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, बहुत कम होता है ना। फिर स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। जैसे जो ये वाली विंड स्पीड है इसमें बहुत कम वेरिएशन होना चाहिए। एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने चाहिए। देन अपर डाइवर्जेंस, जो अपर लेवल पे डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है ना, तो अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। नीचे जो लो प्रेशर की एक एरिया क्रिएट होता है उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं, है ना। जो पूरा साइक्लोन इस तरह से घूमता है उसमें जो बिल्कुल लो प्रेशर का मिड एरिया होता है उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। तो ये कंडीशंस याद रखना, लार्ज सी सरफेस, टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, अपर डाइवर्जेंस अप द सी लेवल सिस्टम। बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन्स एज कंपेयर टू द अरेबियन सी, एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बे ऑफ बंगाल क्यों ज्यादा साइक्लोन, जैसे अगर आपको मैं बता दूं एग्जैक्टली अगर एक साल में 5 या 6 साइक्लोन आते हैं ना, 5 साइक्लोन्स अगर आ रहे हैं तो 1:4 के रेशियो में आते हैं। 5 साइक्लोन्स में से 1 साइक्लोन अरेबियन में आएगा तो 4 साइक्लोन आपके बे ऑफ बंगाल में आएगा। इसका रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो याद रखिएगा कि जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, पानी का टेम्परेचर मैंने बताया ना 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पे पानी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, साइक्लोनिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। देन आईटीसीजेड यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो वहां पे लाई करती है, दैट पासेस थ्रू द बे ऑफ बंगाल एंड इस कारण से एक हेफ्टी ग्राउंड बनाता है, ठीक है ना। तीसरा आपको ये भी याद रखना है जैसे कि यहाँ की जो जियोग्राफी है, दैट इज ऑल्सो द जियोग्राफिकल फीचर्स आर सच दैट कि दे सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आईटीसीजेड का ये, देन वाटर टेम्परेचर बात मैंने किया, जियोग्राफिकल फीचर्स की बात मैंने की, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बे ऑफ बंगाल मोर प्रोन टू ट्रॉपिकल, मोर प्रोन टू साइक्लोन्स एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। अरेबियन सी से ज्यादा बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है, जैसे वो पूछ सकता है कि अरेबियन में ज्यादा आते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं, तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं हम एक एक करके। पहले मैं पूरी न्यूज एनालिसिस वाला पार्ट करा देना चाहता हूँ, न्यूज एनालिसिस में जो जो है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सीवीसी फ्लैग्स डिले इन फाइलिंग द प्रॉपर्टी रिटर्न्स। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बोला है कि आप प्रॉपर्टी रिटर्न्स नहीं भर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सीवीसी के बारे में सारी चीजें बता दूं। सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक एपेक्स इंटर इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1964 में क्रिएट हुई थी। अब 1964 में क्रिएट हुई थी तो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी थी क्या? हाँ, तो के संथनम कमेटी थी, देर वॉज अ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जिसको हम के संथनम कमेटी बोलते हैं। तो के संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया विद द इनएक्टमेंट ऑफ सीवीसी एक्ट 2003 में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह सीवीसी को बना दिया गया। एंड 2003 में सीवीसी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज फ्री ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ओके, सीवीसी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी फ्री ऑफ द कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीवीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट, केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑल्सो याद रखेगा ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, है ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ये करा जरूर सकती है थ्रू सीबीआई और सीवीओ, सेंट्रल चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, विजिलेंस ऑफिसर्स के थ्रू या सीबीआई के थ्रू ये करा जरूर सकती है। इसके अलावा एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में क्या क्या होता है, एक चेयरमैन होता है, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ना, याद रखेगा,
ओथ भी इनकी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। अब एक 3 मेंबर कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते हैं जो कि रिकमेंडेशन देते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विजिलेंस कमिश्नर्स। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, ये रिकमेंडेशन देते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ विजिलेंस कमिश्नर। द विजिलेंस कमिश्नर दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स और 65 ईयर्स, तो 4 साल या 65 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। एंड रिटायरमेंट के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। याद रखिएगा, रिटायरमेंट के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, ये एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे इनको रिमूव किया जा सकता है, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स दैट द ऑफिसर ऑट टू बी रिमूव्ड आफ्टर इंक्वायरी। तो केवल और केवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे इनको रिमूव किया जा सकता है, वो भी पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी देगा, और इंक्वायरी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में अपने बोलता है कि हाँ इस ऑफिसर को रिमूव करना है, तब जाकर के उस विजिलेंस कमिश्नर को रिमूव किया जाएगा। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। Also, a member can be removed if the member is adjudged to be an insolvent, is convicted of an offense that involves moral turpitude according to central government, if he engages in office of profit outside the duties of his office, is declared unfit by reason of infirmity of mind or body by the president, or he participates concerned interested in participate in any way in the profit or in any benefit in any contract or agreement, है ना। तो ये अगर adjudged है, insolvent है, और अगर office of profit में engage करता है, या declared unfit by reason of infirmity of mind or body president द्वारा, तो इसको remove किया जा सकता है। तो these are the things which you should remember. I hope you got clarity regarding these things regarding the CVC. बहुत important है, इनको याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। पोषण अभियान नीड्स अ बूस्ट। स्टडी ने कहा है पोषण अभियान को बूस्ट की जरूरत है, मतलब पोषण अभियान को बूस्ट पिलाओ, है ना। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को ही पोषण अभियान बोलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को ही पोषण अभियान बोलते हैं। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड मदर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम है फॉर चिल्ड्रंस एंड मदर्स। एंड अब क्या है, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इसमें सपोर्ट की जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है फॉर मीटिंग द टारगेट्स ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एंड अनीमिया बाय 2022। अब देखो, इसमें तीन चीजों के लिए टारगेट सेट किए गए हैं। याद रखना, पोषण अभियान में तीन चीजों के लिए टारगेट सेट किए गए हैं। पहला है स्टंटिंग, दूसरा है वेस्टिंग, और तीसरा है अनीमिया। आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है कि स्टंटिंग, वेस्टिंग, अनीमिया क्या है, तो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को ही पोषण अभियान बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब इसमें तीन टारगेट्स हैं। पहला मैंने आपको बताया कि स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, अनीमिया को रिड्यूस करना है, मतलब स्टंटिंग, वेस्टिंग और अनीमिया को रिड्यूस करना है। टारगेट क्या है, इसके अलावा लो बर्थ वेट को भी रिड्यूस करना है, लो बर्थ वेट को भी रिड्यूस करना है। तो पहले तीन के लिए स्टंटिंग, वेस्टिंग और अनीमिया के लिए टारगेट है 2%, 2% एंड 3%, एंड 2% टारगेट है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट को भी 2% पर एनम, पर एनम मतलब हर साल। अगर हर साल करेंगे तो इसका मतलब है कि 3 साल में कितना हो जाएगा, 2+2+2 मतलब 6, और 3+3+3 मतलब कि 9%, है ना, इतना रिड्यूस करना है। आगे मैं दिखाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ सारी चीज़ की 3 साल में इतना हो जाएगा, है ना। 2022 तक अचीव करना है, 2018 में रिलीज हुआ था, है ना। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे लिखा है कि वेस्टिंग क्या होता है, लो वेट फॉर हाइट। अगर आपका वेट कम है हाइट के हिसाब से तो उसको वेस्टिंग बोलते हैं, और अगर हाइट कम है एज के हिसाब से तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका वेट कम है हाइट के हिसाब से, इफ योर वेट इज लो व्हेन कंपेयर्ड टू योर हाइट, मतलब कि आप 6 फुट के हो पर 14 किलो के हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वेस्टिंग है। अगर आपकी हाइट 6 फीट की है और आप केवल 14 किलो के हो, तो आपके अंदर वेस्टिंग है। और अगर आपकी अगर एज 60 साल की है और आप 2 फीट के हो, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टंटिंग है, ठीक है ना। दीज आर द टू थिंग्स। द मिशन जो है बेसिकली वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, और यूनिसेफ जो है इट प्रोवाइड्स द टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस, है ना, पोषण अभियान। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए। अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा है
इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया लिखा हुआ है, टारगेट 2022 तक अचीव करने लिखा है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग बाय 2% अ ईयर, देखो लिखा है 2% अ ईयर मतलब कि 6% टिल 2022, स्टंटिंग और वेस्टिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, स्टंटिंग वेस्टिंग की 2-2% घटाना है, और अनिमिया देखो 3% घटाना मतलब कि टोटल 9%, 3+3+3 9%, ठीक है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि लो बर्थ वेट को भी घटाना है, ठीक है, लो बर्थ वेट भी घटाना है। अब अगर ऑथर यहाँ पे बात माने तो कि यहाँ लिखा है कि वी नीड टू नाउ एक्सेलरेट द एक्शंस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, हमको एक्सेलरेट करने की जरूरत है, एंड वी नीड टू क्विकली ग्रेजुएट टू अ पोषण प्लस स्ट्रेटजी, अब हमको पोषण प्लस की तरफ मूव करने की जरूरत है, तभी जाकर के हम टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे, पोषण प्लस स्ट्रेटजी की तरफ हम जाएंगे तब जाकर के हम टारगेट्स पूरा कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशनड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा है ना जो भी मैं समझाना चाहता था। एंड पोषण अभियान याद रखना, टारगेट्स याद रखना, वेस्टिंग स्टंटिंग की डेफिनेशन जो मैंने बताई वो याद रखना, ये दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। आगे देखते हैं न्यूज एनालिसिस में, तो विद यूएस ट्रूप्स विदड्रॉइंग व्हाट नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यूएस की ट्रूप्स तो जा रही हैं, तो अब अफगानिस्तान के लिए क्या, तो सब सिंपल सी बात है कि यूएस ने प्रिपेयर कर लिया है अपनी ट्रूप्स को टू रिड्यूस देयर प्रेजेंस फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान से वो जाने वाले हैं, खिसकने वाले हैं, है ना। पहले तो वहाँ पे डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ पे पूरा अटैक किया, तालिबान को ख़त्म किया, ठीक है, पहले भगाया पावर से, फिर तालिबान जब दोबारा रीग्रुप करके आ गए, तो आज तालिबान अफगानिस्तान में 50% से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो याद रखिएगा, तालिबान नाउ ऑक्यूपाइज मोर देन 50% ऑफ द एरिया इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। अभी रिसेंटली यूएस और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तालिबान जो है वो माकसम खा के बोले कि वो अफगानिस्तान की धरती पे किसी भी तरीके का अलकायदा या इस्लामिक स्टेट को नहीं लाएगा। तो इसमें क्या किया तालिबान ने फिंगर्स क्रॉस करके वो कसम खा ली, फिंगर्स क्रॉस करके ऐसे ऐसे खाते ना कसम, ये वाले इस तरीके से जिसमें कि कसम लगती भी नहीं है। तो तालिबान ने बोला कि हम माँ कसम खाते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी अलकायदा की और ये वाली नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अब ये कसम उन्होंने फिंगर क्रॉस करके खाई है, आप सबको पता है कि वो करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, है ना। तो वही वाली चीज है जो कि अब होने वाली है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान going into the hands of the terror forces, वही चीज होने वाली है फिर से अफगानिस्तान के साथ। तो यूएसए को पता नहीं था, तो वो चुपचाप वहां से खिसकने की फिराक में है, यूएसए खिसक भी जाएगा, है ना। अब एक और चीज आपको याद रखना है, व्हाट इज यूनामा, अगर आपसे कोई पूछे यूनामा क्या होता है, यूनामा बेसिकली यूनाइटेड नेशन एक्शन फॉर अफगानिस्तान है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, मिशन इन अफगानिस्तान, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। इसने यू मामा लिख दिया है, पर यू नामा है, याद रखिएगा यू नामा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस है ना, यू नामा याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन फॉर अफगानिस्तान। इसने अभी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा था कि 6,000 अफगान सिविलियंस किल हुए थे इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द ईयर, पहले 9 महीने में 6,000 अफगानिस्तान सिविलियंस किल हुए हैं, एंड देयर 45% डेथ्स वर बिकॉज ऑफ द हैंड्स ऑफ तालिबान, उनमें से 45% जो मौतें थी, मतलब 6,000 की 45% अगर आप निकालोगे तो लगभग 2500 से 3,000 के बीच में आंकड़ा आएगा, तो 2500 के आसपास जो मौतें हुई तालिबान के हाथों हुई है, ठीक है ना। तो एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की कहना चाहिए कि फ्रंटियर पे छोड़ के जा रहा है अफगानिस्तान को यूएसए, है ना। एंड द बैड न्यूज़ इज दैट ट्रंप्स ऑर्डर लाइकली रीइंफोर्सेस द तालिबान सेंस ऑफ एसेंडेंसी आल्सो, जो ट्रंप का ऑर्डर है वो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो हार मान चुका है अफगानिस्तान में तालिबान फोर्सेस से। और ये क्यों बुरा है, ये बुरा इसलिए क्योंकि इससे तालिबान का जो मोराल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तालिबान का मोराल तो अप होगा ही होगा, हाँ, कि जो अफगान उनका मोराल डाउन होगा, ठीक है ना। उनका मोराल क्यों डाउन होगा, क्योंकि यूएसए डायरेक्टली फाइट नहीं करता था, लेकिन यूएसए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था ना, ट्रेनिंग वाला काम तो करता था, तो इससे उनका मोराल भी डाउन होगा। तो अब जो यूएस छोड़ के जा रहा है, इट नॉट ओनली डिप्राइव्स द अफगान फोर्सेस द सपोर्ट दैट दे नीडेड,
पर्टिकुलरली द एयर पावर बट ऑल्सो अफेक्ट्स देयर मोराल। तो वहां पर एयर सुप्रीमेसी यूएसए जरूर प्रोवाइड करता था अफगानिस्तान की फोर्सेस को, जो कि अब उनके वहां से जाने के बाद उनको नहीं मिल पाएगी, है ना, उनको नहीं मिल पाएगी। एंड दैट इज द थिंग विच इज क्रिएटिंग द ट्रबल फॉर अफगानिस्तान। वो चीज बहुत ज्यादा ट्रबलसम है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उनके मोराल को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। आगे आ जाते हैं हम एडिटोरियल सेक्शन में। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है वो है से नो टू कॉर्पोरेट हाउसेस इन इंडियन बैंकिंग। अभी एक्चुअली इंटरनल वर्किंग ग्रुप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसने रिकमेंडेशन दे दिए कि कॉर्पोरेट हाउसेस को आप बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपको आपको चीज मैंने बता दी क्या है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिसने कह दिया है कि आप कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दो। अब यहां पे ऑथर ने बोला है कि 2008 में एक कमेटी बनी थी जिसमें रघुराम राजन जिस कमेटी को हेड कर रहे थे, कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, 2008 की कमेटी थी कमेटी ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। उस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन ये भी दिया था कि कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग में अलाउ ना किया जाए, कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग में अलाउ ना किया जाए। वो चीज आज भी सही है, इसलिए बैंकिंग में आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कॉर्पोरेट्स को इंक्लूड करने की आप वो कर रहे हैं, है ना। ऑथर ने कहा है कि ये एक बहुत रिस्की चीज है, अगर आप बैंकिंग में कॉर्पोरेट्स को इंक्लूड कर दोगे तो दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग। क्यों नहीं ठीक है, अब हम देख लेते हैं। यहां पे देखो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट हाउसेस कैन टर्न बैंक्स इनटू अ सोर्स ऑफ फंड फॉर देयर ओन बिजनेसेस। कॉर्पोरेट हाउसेस क्या करेंगे, बैंक्स को अपने ही बिजनेसेस को फंड करने का सोर्स बना लेंगे, ठीक है ना। इन एडिशन दे कैन इंश्योर दैट फंड्स आर डायरेक्टेड टू देयर क्रोनीज, वो एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म वाली चीज बना लेंगे, है ना, कि भैया हम बोल देंगे हम उन्हीं लोगों को लोन देंगे जो कि हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जो हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स लेंगे हम उनको इस तरह। तो एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म वाली चीज जो है वो शुरू हो सकती है। और दूसरा चीज कि वो पूरा जो फंड है वो उसको चैनलाइज करके अपने ही बेनिफिट के लिए यूज करने लग सकते हैं, ठीक है ना। यहां लिखा लिखा नॉट लीस्ट बैंक्स ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस विल बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ नॉन बैंक एंटिटीज ऑफ द ग्रुप। इफ द नॉन बैंक एंटिटीज गेट इनटू ट्रबल, सेंटिमेंट अबाउट द बैंक ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस बाउंड टू बी इंपैक्टेड। देयरफॉर डिपॉजिटर्स, सिंपल सी बात है, डिपॉजिटर्स को पहले तो सेफ्टी भी देने जरूरी है ना। और मान लो कॉर्पोरेट्स का तो वैसे भी नुकसान चलता रहता है, प्रॉफिट का भी नुकसान, तो कल को अगर नुकसान हुआ और डिपॉजिटर जो आम जनता है वो जो फंस जाएगी, उसका क्या करोगे, उसको आप किस तरीके से निकालोगे इस चीज से। इसके अलावा कॉर्पोरेट हाउसेस कैन यूज देयर पॉलिटिकल क्लाउड टू थ्वार्ट सच कोऑपरेशन। तो कॉर्पोरेट हाउसेस क्या कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का यूज कर सकते हैं। सपोज कल को किसी कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बड़ा कॉर्पोरेट हाउस, अंबानी है, अडानी है, ये लोग आ गए अगर बैंकिंग में और इनके अगेंस्ट कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्ट कर रही है, तो ये अपने पॉलिटिकल उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आरबीआई कैन ओनली रिएक्ट टू द इंटरकनेक्टेड लेंडिंग एक्सपोज्ड, दैट इज आफ्टर सब्सटेंशियल एक्सपोजर ऑफ द एंटिटीज। मतलब जब तक इंटरकनेक्टेड लेंडिंग कर सकती है, जैसे कि एक चीज होती है इंटरकनेक्टेड लेंडिंग, मतलब ये क्या करेंगे, जो पैसा देने का काम है, लेंडिंग का काम है, उसको एक प्रॉपर क्राइटेरिया के थ्रू नहीं देंगे बल्कि अपने विम्स एंड फैंसिस से देंगे, जो चीज इनको बेनिफिट करेगी उसके हिसाब से, है ना। इंटरकनेक्टेड मतलब कि जो लोग इनके वो रहेंगे उन्हीं को लेंड करेंगे, कस्टमर्स को ही लेंड करेंगे, अदरवाइज किसी और को नहीं करेंगे। तो ये जो इंटरकनेक्टेड लेंडिंग है ये एक्सपोज्ड ही आरबीआई इस पे एक्ट कर सकती है, मतलब कि जब तक ये चलेगी तब तक नहीं, जब ये एक्सपोज हो जाएगी केवल तभी इनके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, है ना। सपोज आरबीआई डज लैच ऑन द इंटरकनेक्टेड लेंडिंग, हाउ इज द आरबीआई टू रिएक्ट, एनी एक्शन दैट आरबीआई मे टेक इन रिस्पॉन्स कुड कॉज अ फ्लाइट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द बैंक कंसर्न एंड प्रिसिपिटेट इट्स फेलियर। तो वही बात है कि अगर आरबीआई रिएक्ट करेगी तो दिक्कत क्या होगी, बैंक रन होगा और पैसे वहां से जाएंगे, तो भी देखो बैंक रन भी होगा तो भी प्रॉब्लम तो आरबीआई की होगी ना, है ना, मरण तो आरबीआई की हो जाएगी। तो वही वाली बात है, इसलिए ऑथर ने कहा है कि इस तरीके से आप क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग में इन्वॉल्व ना करो, यही वाली बात है। फोर्थ लिखा है पिटिंग द रेगुलेटर अगेंस्ट पावरफुल कॉर्पोरेट हाउसेस कुड एंड अप डैमेजिंग द रेगुलेटर। अगर आप आरबीआई को इतने बड़े बड़े पावरफुल कॉर्पोरेट हाउसेस के अगेंस्ट पिट करते हो तो वो खुद रेगुलेटर को ही नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब आरबीआई को नुकसान पहुंचाएंगे और उसकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। ऑथर ने कहा है कि अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो एनबीएफसीज को बैंकिंग का लाइसेंस तब देते हैं जब वो 10 साल तक अपने आप को अच्छे से काम करती है, सक्सेसफुल अगर आप 10 साल तक है तब वो देते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है ये तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन बैंकिंग्स में आप ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना करें। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज बोली है,
कि हाँ अगर आप बेसिकली कर रहे हो प्राइवेटाइजेशन आप कर सकते हैं कि पब्लिक बैंक्स में कुछ परसेंटेज शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि पब्लिक बैंक्स को भी पैसे की जरूरत है, और अगर उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हाँ वहां पर प्राइवेट वाले इन्वेस्ट करें। जैसे लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर करना पड़ गया, अगर आपको करना था तो वहां आप इन्वेस्ट करते, उस तरीके से आप बैंकिंग को बचाते। बट आपको लाइसेंस देना कॉर्पोरेट्स को, ये दैट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट विल नॉट बी अ गुड थिंग। अगला जो आर्टिकल है वो है द माइग्रेंट वर्कर एज घोस्ट अमंग सिटीजन। ऑथर ने कहा है माइग्रेंट वर्कर्स को काउंट ही नहीं किया जाता, उनको घोस्ट की तरह काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन आपने किया उस समय आपने कोई भी विचार इस चीज पे नहीं दिया कि माइग्रेंट वर्कर्स का क्या होगा, वो किस तरीके से रिसाइड करेंगे, उनके पूरे उनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में डाल दिया, उनको स्टार्व करने के लिए छोड़ दिया। कई लोग अपने जो उन्होंने अपने वॉक की अपने घर जाने के लिए उसमें उनकी जान भी चली गई है ना। एंड इट वॉज As if the nation's top decision makers had no idea that migrant workers existed. इसलिए ghost citizen जो term use किया गया है migrant workers के लिए, ghost citizen use किया गया है, and कहा है कि as if the decision makers had no idea कि वहाँ पे कोई migrant worker भी लाई करते हैं, ठीक है ना। अब author ने वही कहा है कि एक और चीज बोली है कि migrant workers के जैसे ये तो ठीक ही था, इसके अलावा पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई। जैसे कि एक जो आपका एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट आता है, एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट आता है, और हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 का एक्ट है ना, और आपका एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 का है। एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 का सेक्शन 4 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन हु इज़ एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द एक्ट। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे फेथ से काम कर रहा है इस एक्ट के तहत तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब कि पुलिस मैन को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर उस एक्ट अंतर्गत वो पीटते पाटते हैं। तो वही वाली बात थी कि यहां पे क्या हुआ कि पुलिसमैन दे वर प्रोटेक्टेड बाय दिस लेजिस्लेशन, एंड सम ऑफ द ब्रूटल असॉल्ट केसेस आल्सो वर सीन जब माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हुआ। सो दैट वाज अनदर थिंग जो कि इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया में सही नहीं है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट ऑथर हाईलाइटेड, एंड ऑथर ने फाइनली वही हाईलाइट किया कि जो ये मेंबर्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इस तरीके के एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क in order for their benefit. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.